नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ जैन। चीन में कोरोना वायरस प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। देश के अस्पताल के बाहर और अंदर भीड़ उमड़ रही है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है। कई वीडियो आप देख नहीं सकते हैं, लोग बाहर इलाज के लिए तड़प रहे हैं। वीडियो चीन के चोंगकिंग शहर का है। मरीजों को फर्श पर CPR दिए जाने और थकान से चूर डॉक्टरों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर हैंडल द्वारा साझा की गई एक क्लिप में चीनी शहर चोंगकिंग का एक अस्पताल में आपातकालीन निगरानी कक्ष में अराजकता के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। मरीज फर्श पर लेटे हुए हैं और मशीनों और डॉक्टर के समूह इलाज कर रहे हैं। कमरे के सभी बिस्तरों पर समान रूप से गंभीर स्थिति में मरीजों का कब्जा है। चीनी सोशल मीडिया पर शेयर किए गए दूसरे वीडियो में डॉक्टर इतने थके हुए दिख रहे हैं कि मरीजों को देखते देखते सो गए। व्यापक विरोध के बाद इस महीने की शुरुआत में सरकार ने सख्त वायरस नियंत्रण नीति को हटाने के बाद कोविड मामलों में वृद्धि देखी गई है। प्राधिकरण ICU का विस्तार कर रहे हैं और अस्पतालों में बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए बुखार जांच क्लिनिक का निर्माण कर रहे हैं। चीन ने मंगलवार को 3,101 नए मामले की पुष्टि की है। 3,049 घरेलू मामले थे। लक्षणों वाले पुष्टि मामलों की कुल संख्या 386,276 हो गई है। चीन के कोरोना वायरस के गंभीर प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। वह वायरस के संक्रमण ने संबंधित मौतों को कैसे परिभाषित करता है? अधिकांश देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका सहित किसी भी देश में मौत कोविड से संबंधित मौत के रूप में गिना जाता है। हालांकि शी जिनपिंग के नेतृत्व वाले देश में इसकी परिभाषा बदल दी है। पेंकिंग विश्वविद्यालय के नंबर 1 एक अस्पताल में संक्रामक रोग को प्रमुख वंग गुई कियांग के अनुसार पहले से मौजूद चिकित्सा स्थितियों से मरने वाले रोगियों को COVID-19 मौतों के तहत नहीं गिना जा रहा है। चीन आधिकारिक तौर पर COVID-19 मौतों का केस दर्ज करता है। इसका स्पष्टीकरण प्रतिबंधों को ढील होने के बीच देश भर में बढ़ गया है।